सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। आपकी जिंदगी बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसे फालतू और बेकार बातों में नहीं गवाएं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। आज का पंचांग 14 मई 2022 दिन शनिवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र शाम 5:28 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:06 से 10:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 6:12 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर सुबह 5:35 तक रहेंगे। इसके उपरांत वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि 14 मई 2022 दिन शनिवार, काफी समय से जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, कुछ मजेदार भी नहीं हो रहा। अपनी नीरज जिंदगी में कोई साहसिक गतिविधि शामिल करें। अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं या कहीं भी बाहर घूमाए। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें ताकि एकाग्रता से काम कर पाएं। समय की गति आपके पक्ष में बेहतरीन बनी हुई है। अपनी ऊर्जा और कार्य क्षमता का भरपूर सदुपयोग करें। कुछ समय से आप जिन कामों के लिए प्रयासरत थे आज उन कामों का पूर्ण होने का समय आ गया है। आपको अपनी मेहनत अनुरूप सुपरिणाम प्राप्त होंगे। आपकी प्रगति की वजह से लोग के मन में आपके लिए ईर्ष्या हो सकती है। व्यक्तिगत चर्चा अनजान व्यक्ति के साथ ना करें। जिन सपनों को साकार करना चाहते हैं उनसे संबंधित भी चर्चा किसी व्यक्ति के साथ करने से आपके व्यवसाय में कमी महसूस होगी। काम का तनाव रहेगा लेकिन कोई भी काम जटिल नहीं है, इसलिए केवल प्रयत्न करते हुए काम को पूरा करने की कोशिश करें। लव रिलेशनशिप के लिए मन में जो सीमित विचार थे वह दूर होने लगेंगे। विटामिन की कमी को दूर करने के लिए अभी से प्रयत्न शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सावधानियां, कोई पेमेंट करने की वजह से मन परेशान रहेगा। कभी कभी आपकी संकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है, इसलिए अपने विचारों में लचीलापन बनाकर रखें। युवा वर्ग व्यर्थ के गतिविधियों में अपना समय खराब ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति विश्वास संबंधों को मजबूत बनाएगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाएं। आपके प्रिय को आज आपकी सहायता और समर्थन की जरूरत होगी। इस समय आपको बिना किसी शर्त अपने प्यार का एहसास उन्हें कराना चाहिए और उनके बारे में कड़वा बोलने या उनकी आलोचना करने से बचना चाहिए। आपको अपने छोटे छोटे मुद्दों और शिकायतों को एक तरफ कर देने चाहिए। आप जैसा व्यवहार अब करेंगे उससे आपके रिश्ते व आपके रिश्ते पर लंबे समय तक के लिए प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको अब सोचकर ऐसे निर्णय लेने हैं जो भविष्य तक के लिए भी उपयुक्त हो। बात करते हैं करियर की। आप सक्रिय हैं और आज आपकी सक्रिय प्रवृत्ति आपको शीर्ष पर रखेगी। आप अभी गतिविधियों के केंद्र पर हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस अपनी गति को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। अभी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित रखें और समय समय पर अपने दस्तावेजों को देखते रहें। बाहरी स्रोतों से संपर्क बनेंगे जो कि लाभदायक भी रहेंगे। व्यवसायिक पार्टियों के ऑर्डर समय पर पूरे हो जाएंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें क्योंकि लीक हो सकती है। सरकारी सेवारत लोग किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य में रुचि ना लें। बात करते हैं सेहत की। आज स्वभाव में चिड़चिड़ापन और थकान जैसी स्थिति महसूस होगी। काम के साथ अब आराम भी लेने की आवश्यकता है। अपचय से जुड़ी समस्याओं से परेशान भी हो सकते हैं।
लेकिन आपको यह समझना होगा कि वास्तविक समस्या आपके पाचन तंत्र की नहीं बल्कि उस तनाव तथा चिंता के कारण है जिससे आप जूझ रहे हैं। उसी से ये स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। इसीलिए अपने भोजन को बदलने की जगह कुछ मानसिक शांति देने वाले व्यायाम आपके लिए लाभदायक होंगे। सांस वाले व्यायाम विशेष लाभ देंगे। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।